दोस्तों एक दिन की बात है जब कालू कौवा के पास टुन्नी चिड़िया और उसका बच्चा कुछ मदद मांगने के लिए आता है। लेकिन कालू कौवा तो उसे मारने के लिए तुरंत दौड़ जाता है। लेकिन मारते मारते ऊपर से बिजली की लाइन निकली होती है जिसमें उसका डंडा लग जाता है और वह खुद उल्टा लटक जाता है और फिर बहुत तेज से वह रोने चिल्लाने लगता है कि हाय मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्योंकि दोस्तों अगर किसी के साथ बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। फिर वह उल्टा लटका रहता है और टुन्नी चिड़िया उसका बच्चा सब देखता रहता है। फिर वह उल्टा लटका रहता है और यूं ही ख्वाब देखता रहता है। बहुत देर बाद दोस्तों वहां एक मिट्ठू तोता आता है और कबूतर से बोलता है कि मिट्ठू भैया कबूतर भैया कबूतर भैया कोई मुझे लॉटरी का टिकट दे दो जिसके कारण मेरे पास बहुत ढेर सारा पैसा आ सके। तो फिर टुन्नी चिड़िया का बच्चा बोलता है मम्मा आप भी लॉटरी का टिकट एक खरीद लो जिसके कारण मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उधर बाज भैया लॉटरी के टिकट बेचता है और एक टिकट लेने पर लाखों रुपये मिलते हैं। तो मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को गोद में लेकर सो जाती है। फिर दोस्तों सुबह जब होती है तो कबूतर भैया से टुन्नी चिड़िया का बच्चा एक लॉटरी का टिकट खरीद लेता है जिसके कारण उसको ढेर सारे पैसे देता है। इधर कबूतर टुन्नी चिड़िया के पास कालू कौवा और उसका बच्चा आते हैं और बोलते हैं कि टुन्नी बहन आप भी एक लॉटरी का टिकट खरीद लो जिसके कारण आपको ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। लो हमने यह टिकट लाया है और यह टिकट आप लेकर जाओ बाज भैया के पास भजवा लो लेकिन इसके बदले में मैं खूब ढेर सारे पैसे लूंगा। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी के पास आता है और बोलता है मेरे पास तो लॉटरी का टिकट भी है मैं क्यों ना इसको जाकर वहाँ भंजवा के आता हूँ हो सकता है मुझे इसके बदले में ढेर सारे पैसे मिल जाएं। तो फिर कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन उसकी पत्नी लेकर बाज भैया के पास आती है अपने लॉटरी के टिकट को भंजवाने। तो बाज भैया लॉटरी का टिकट लेता है और पूरे पेपर में चेक करता है उसका नंबर लेकिन इत्तेफाक से कवि का टिकट के नंबर का तो नंबर लग जाता है जिसके कारण वह खुशी से उछलने लगता है और उस लॉटरी के नंबर पर 1,00,000 की लॉटरी लग जाती है जिसको लेकर खुशी खुशी वह घर आता है और उसकी पत्नी देखकर भी कूदने लगती है कि मुझे इतने ढेर सारे पैसे मिले हैं। फिर वह सारे पैसों को एक संदूक में रख देते हैं क्योंकि वह तो अब जंगल के सबसे अमीर आदमी बन गए थे और बहुत खुशी खुशी नाच कूद रहे थे क्योंकि इतना पैसा और किसी पंछी के पास पूरे जंगल में नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आपने वह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि चतुर कौवा तो हमेशा चतुर ही होता है और ज़्यादा चतुराई भी ठीक नहीं होती है। वह सारे पंछियों से अपने घमंडी पैसों का घमंड दिखाया करता था। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे दूसरे पार्ट को जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर देना।